डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे न्यूक्लियस के, क्या पढ़ेंगे हम इसके, हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे न्यूक्लियस के, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। क्या आएगी बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है। सेकेंड, अगर हम कंपोनेंट पढ़ेंगे इसका तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा। और फिर इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर क्रोमेटिन मटीरियल मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा यहाँ पर, क्रोमेटिन मटीरियल, ठीक है। हम ये जो स्ट्रक्चर बताते हैं न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, ये तब होता है व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, जब एक सेल डिवाइड नहीं होती है, व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड। और ऐसी कंडीशन को हम इंटरफेज कहेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि ड्यूरिंग इंटरफेज, क्या वर्ड लिखा गया है बेटा हमारे एनसीईआरटी के अंदर, 9th क्लास के एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, इसका मतलब क्या होगा बेटा, व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, जब वो डिवाइड नहीं हो रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि हमारी ये सेल है, ये सेल बनी है अभी अभी, अब ये क्या होगी, ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद क्या होगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड हो गई, फिर ये क्या करेगी, ग्रो करेगी और फिर क्या होगी, डिवाइड। अब जैसे ये ग्रोइंग फेज होता है, यही फेज क्या कहलाया जाएगा, इंटरफेज। मतलब इस कंडीशन में सेल अभी डिवाइड नहीं हो रही, अपनी ग्रोथ कर रही है, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी बेटा, इंटरफेज। तो ये हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पढ़ते हैं, मेन इसका ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं, हम कौन से स्टेज में कर रहे हैं, इंटरफेज। तो ये जरूर याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हमने क्या बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म, देन हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस, और फिर हमने क्या कहा बेटा, क्रोमेटिन मटीरियल। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। देखो इसका स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के बारे में मैंने आपको कहा, स्ट्रक्चर के बारे में कभी भी रटना नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होगी बेटा। कैसी होगी ये, डबल मेम्ब्रेन, एंड सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर एज जो हमारे किस क्या थे बेटा, सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल वैसी होगी ये, मतलब फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की ही बनी हुई होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी इसे हम क्या नाम दे देंगे, आउटर मेम्ब्रेन कह देंगे। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं, इनर मेम्ब्रेन कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्या हो गया, स्पेस, और इस स्पेस को हम क्या कह देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कह देंगे बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह देंगे। आई मेरी बात समझ में, तो और लेकिन इस न्यूक्लियस और यहाँ पर ये न्यूक्लियस आपस में एक जगह पे फ्यूज़ हो जाएगी इस तरह से बेटा, ध्यान देना, इस तरह से क्या हो जाती है, ये फ्यूज़ हो जाती है और ये क्या बनाती है, पोर्स बना देगी। क्या बना देगी ये, पोर, और इन पोर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे हम। क्या कहेंगे इन पोर्स को, हम न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कंटेंट होगा उसको कहाँ भेजेगा, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो किसका काम करेगा, कनेक्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के साथ में, कनेक्ट करने का काम ये करता है, ठीक है बेटा। तो ये मेम्ब्रेन ही क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से फ्यूज़ होगी और क्या बना देगा, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर बनाएगा ये, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने क्या कहा बेटा, कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ठीक है बेटा। कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर एंड इनर, और इसके बीच में ये क्या होगा, स्पेस, और यहाँ पे इस तरह से फ्यूज़न होगी, ये पोर कॉम्प्लेक्स बने बेटा, पोर के साथ यहाँ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे। यहाँ पे एक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब 100 से 2000 तक 10000 तक आराम से न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक रफली सा डायग्राम बना रही हूँ, ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दिए और ये मैंने क्या बना दिया बेटा, इनर मेम्ब्रेन बना दिए, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, इनर मेम्ब्रेन बना दिए, और इन दोनों के बीच में क्या बना दिया, स्पेस,
और यहाँ पे हम पेंसिल से बनाएंगे तो इस चीज़ को इरेज करेंगे। देखो मैंने क्या सा वी शेप कैसे बना रही, वी शेप मतलब क्या होती है, ये इस तरह से जैसे कि ये और ये ऐसे फ्यूज़ हुई है, ठीक है। ये नहीं कि भाई यहाँ पे हम पूरा आप ऐसे प्लीज़ ऐसे गैप नहीं दिखाना, इस तरह से पूरा गैप नहीं होता। ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से होकर फिर इनर मेम्ब्रेन के साथ ही ऐसे फ्यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेंगे इसके अंदर, ये पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे इसके अंदर बेटा, ये पोर्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या कहा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पेस, और इसे हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर पोर्स कह दिया। सेकंड कंपोनेंट हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, हमने बताया था प्रोटोप्लाज्म किसके बराबर होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कवर करेगी जिस फ्लूइड को, उसे हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। क्या कह देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होगा, बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म जैसा होगा। मतलब क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर भी, वाटर होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। थर्ड कंपोनेंट हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस। यहाँ साइड के अंदर देखो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, क्या बनाया है, डॉटेड लाइन, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या कहते हैं, लिटिल न्यूक्लियस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, लिटिल न्यूक्लियस। बेटा डिटेल में मैं वन बाय वन सबके बारे में बताऊंगी, हम जनरल हम बात कर रहे हैं। जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया है, लिटिल न्यूक्लियस बताया गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे इसके अंदर जो राइबोसोम्स बनते हैं और प्रोटीन बनेंगे, वही कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोलस। और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ये भी। क्या होगा बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा। क्या काम करेगा, हम सारा बताएंगे। और इसके अंदर फोर्थ कंपोनेंट क्या हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, ये क्रोमेटिन मटेरियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल हो जाएगा। इस तरह का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको कलर देते हैं, किसी डाई का यूज़ करते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, इसमें केमिकल दिए जाते हैं, इससे हम कलर लेते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा है जो कोई भी कलर नहीं लेगा, नो स्टेन। स्टेन का मतलब क्या होगा, कलर। तो इसका थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, ये हम कब कर रहे हैं, जब एक सेल कब इंटरफेज में, जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही है। तो हमने इसके कितने कंपोनेंट बता दिए, मेनली चार। पहला हमने क्या बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ नंबर पे हमने क्या कहा, क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम वन इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही। अब हम वन बाय वन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा, हम सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या भी नाम दे देते बेटा, कैरियोथीका भी कह देते हैं। क्या कह देंगे, कैरियोथीका। कैरियर मतलब न्यूक्लियस, थीका का मतलब क्या होता है, कवरिंग होता है। कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितनी होगी बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये भी कितनी होती है, डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस। और उस स्पेस को हम क्या नाम दे देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है बेटा। और इसके इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर मेनली किस में हेल्प करेगा, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस से जो मेनली ये बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, ये चीज़ें याद रखना, क्या क्या करता है बेटा, राइबोसोम्स करता है और प्रोटीन्स करेगा। मेन न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो चीज़ भेजता है वो राइबोसोम एंड प्रोटीन, और न्यूक्लियस को जो जरूरी होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही आएगा, ठीक है, जो एक चैनल का काम करेगा न्यूक्लियर पोर। आई मेरी बात समझ में। सेकंड हम क्या बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बात करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, कैरियो लिम्फ भी कह देते हैं। क्या कह देंगे, कैरियो लिम्फ। लिम्फ मतलब होता है फ्लूइड, और कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, जो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। या द फ्लूइड सराउंडेड बाई द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द फ्लूइड सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म जैसा ही होता है। तो ये भी किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ द वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, सेम उसी का बना होगा, प्रोटीन, फैट्स इन्हीं का बना हुआ होता है,
ठीक है बेटा। और इसको याद रखना, ये क्या होता है, नॉन स्टेनिंग। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कलर नहीं लेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियो प्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियो प्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, न्यूक्लियोलस। क्या बात करें बेटा, हम न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पर न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस इसे क्या भी कहा जाता है, लिटिल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे लिटिल न्यूक्लियस। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस को, इसको डिस्कवर्ड किन्होंने किया था, डिस्कवर्ड बाई फोंटाना। याद रखना इम्पोर्टेंट है इसकी डिस्कवरी, किन्होंने डिस्कवर किया था बेटे, इसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था, ठीक है, इन 1784 के अराउंड किया था। 1784 में क्या किया था बेटा इन्होंने, न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस से पहले डिस्कवर हो चुका था इसा ये, ठीक है, दिखता था न्यूक्लियोलस पहले ही इससे पहले, क्योंकि इसको जो न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, बट इन्होंने 1780 के अराउंड क्या कर दिया था, इन्होंने बेटा न्यूक्लियोलस को डिस्कवर कर दिया था। बट द नेम न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय, द नेम न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय बॉमेन। याद रखना बेटा किन्होंने दिया था, ये नाम किन्होंने दिया था, बॉमेन ने, किन्होंने दिया था बेटा, बॉमेन ने। बट डिस्कवरी किसके नाम जाती है, फोंटाना के नाम। हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेरीफ्री। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द पेरीफ्री, मोस्टली कहीं पे भी हो सकता है। और मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये साइड में ही प्रेजेंट होता है। और मेनली किसका बना होता है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, ध्यान देना क्वेश्चन आता है किसका बना होगा बेटा, राइबोसो, ये किसका बना होगा, सॉरी आरएनए का बना होता है। और किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होगा। किसका बना होगा, आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। याद रखना पूछा गया है कि न्यूक्लियस किसका बना हुआ होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स का। ये खाली जैसे कि हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस और आरएनए प्रेजेंट होता है तो कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोलस बना देते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये कैसा होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब तुम ध्यान देना, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया विच वन इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक राइबोसोम्स आ गया, एक सेंट्रियोसोम्स आ गया, एक न्यूक्लियोलस, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। हमारी सेल में तीन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके न्यूक्लियर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। एक हमने क्या बताया बेटा, गुड राइबोसोम्स, फिर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, और एक हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये भी, ठीक है। और न्यूक्लियोलस मेनली हेल्प इन द, इसका फंक्शन इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियोलस मेनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा बेटा, ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, राइबोसोमल फैक्ट्री। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया विच वन इज़ द राइबोसोमल फैक्ट्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम का हम क्या नाम दे रहे थे बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करेगा, ठीक है बेटा। ये हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री कह रहे हैं, ओके। ये हमने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो, हमारे जब सेल डिवाइड नहीं होती है, वेयर अ सेल डू नॉट डिवाइड देन द जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसकी फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा ये। किसकी फॉर्म में होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं आपको सीधा से एग्जांपल बताऊँ, हमारे पास रील होती है, गिट्टी होती है, ठीक है, धागा होता है। आप धागे को खोलना और एक जगह गिरा देना, जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो आपके चरखे में, जैसे कि आप नीचे की तरफ एक तरफ निकाल के चलना, तो बिल्कुल आप नीचे की तरफ डालोगे तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बिल्कुल कैसा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कब है, जब व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, तब आप इसको लपेटना शुरू करते हो, अपने उंगलियों पर लपेटना शुरू करते हो, तो आपको इस तरह से अपीयरेंस दिखाई देता है,
होता है ना, बट इस तरह से हम क्या करते हैं हमारी उंगलियों के बीचों बीच ऐसे 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 करके लपेटते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो बस यही क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं है। मैंने सेल डू नॉट डिवाइड, जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक, इन दैट कंडीशन वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, क्रोमेटिन मटीरियल। जैसे एक सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस कर इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे हम हमारे रील को इकट्ठा करते हैं उंगलियों के बीच में, और कैसी शेप बन जाती है इनकी, रिबन लाइक, इसे हम क्या कहेंगे, रोड लाइक शेप बन जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रोमोसोम जिसे आप कहते हो। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटीरियल में डिफरेंस नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्रोमेटिन मटेरियल कब दिखाई देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इन इंटरफेज, जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही। क्रोमोसोम आपको कब दिखाई देगा, जब एक सेल डिवाइड होनी शुरू होगी। वेन ए सेल डिवाइड स्टार्ट्स टू डिवाइड तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस, क्या बोलेंगे इसे बेटा हम, कंडेंस होंगे, इकट्ठा होना शुरू होंगे और क्या बना देते हैं, रिबन लाइक या रोड लाइक शेप बना देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम हम क्या कहेंगे, व्हेन अ सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, जब एक सेल डिवाइड होना शुरू करेगी, द क्रोमेटिन मटीरियल विल बिकम, वेरी गुड, द क्रोमेटिन मटीरियल विल बिकम कंडेंस, क्या हो जाएंगे बेटा, वो कंडेंस हो जाएंगे और कैसी ले लेंगे शेप, एंड फॉर्म अ रिबन और रोड लाइक शेप, वही क्या कहलाई जाएगी, क्रोमोसोम्स कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी, क्रोमोसोम्स। तब हमारे पास आएगा क्रोमोसोम्स किसका, कि जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, आर मेड अप ऑफ किसका बना होगा, ध्यान देना, जो डीएनए हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल हमारा किसके ऊपर होगा, क्रोमोसोम। अभी मैं आपका सारा बताती हूँ, हमारे क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, डीएनए का बना होगा, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और किसके बने होंगे, आरएनए के, ये याद रखना बेटा, क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। यहाँ प्रोटीन दो टाइप के होंगे, बस थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि एक बार हमारा यहाँ पे एनटीएससी में क्वेश्चन आ गया था, एक होते नाम है बेटा, बस इसको नाम याद रखना फिलहाल के टाइम, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक टाइप होती है प्रोटीन की, क्योंकि एक बार हमारे एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, तो वहाँ पे आपका आंसर था, एक ऑप्शन में था डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए, और बाकी कुछ की डीएनए ओनली, आरएनए, इस तरह से करके पूछा गया था। तो आपको याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन में दिया डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, तो आपको याद रखना हमारा क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, इसका बना हुआ होता है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे किस तरह से होता है बेटा, ये हमारे जो क्रोमोसोम्स होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 101% लिख लेना, 101% आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ से आपको एनटीएससी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, जब एक डिवाइड होना शुरू हो गए, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, तो इनके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, क्या होगी बेटा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, इस तरह से हमने बात की, क्या आ जाती है, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे जब एक सेल डिवाइड होना शुरू हो रही है, उस कंडीशन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक पूरी की पूरी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड कह रहे हैं बेटा, क्या नाम दे रहे हैं इसे हम, क्रोमेटिड। ये पेयर में इस तरह से होगी बेटा, ठीक है, ये मेटाफेजिक कंडीशन होते में इस तरह का दिखाई देगा। तो ये एक पूरी क्रोमेटिड हो गई, और ये इसकी बिल्कुल जैसी होगी, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कह देंगे, क्या कह देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ध्यान देना मैंने क्या बनाया, जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये पहला कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नाम दे रहे हैं, इसके इस तरह से क्या होती है, आर्म्स होंगी, और ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाया जाएगा, याद रखना बेटा, क्या कहलाया जाएगा, क्रोमेटिड। एक मेटाफेज कंडीशन आती है, आपको कभी सेल साइकिल आपके 9th क्लास के अंदर नहीं आता है, तो वहाँ पे ये दो क्रोमेटिड्स होंगे इस तरह से, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये मेन क्रोमेटिड और इसके बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूंट होगा, इसे हम क्या नाम देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। तो ये क्रोमेटिड क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमारा एक सेल है, इस तरह का पूरा क्रोमोसोम दे देंगे, तो इसमें कितने क्रोमेटिड हो गए आपके, दो क्रोमेटिड्स, एक ये पूरा क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड ये, इन्हें हम आर्म्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इन्हें हम, आर्म्स, ठीक है, एक आर्म होगी ये आर्म, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा,
इट इज़ नॉन एज सेंट्रोमियर. क्या नाम दिया गया है? सेंट्रोमियर. इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अ क्रोमोजोम. प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अ क्रोमोजोम, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? सेंट्रोमियर कहलाई जाएगी. क्या कहलाई जाएगी बेटा? सेंट्रोमियर. अब हमारे पास आता है, देखो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से आएगा जो मैं बताने जा रही हूँ. टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर पोजिशन, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर पोजिशन. तो हम यहाँ चार टाइप्स पढ़ेंगे. कितने टाइप्स पढ़ेंगे हम यहाँ? चार टाइप. अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड पोजिशन में होगी, ठीक है बेटा, एक जस्ट अबाउ द मिडल पोजिशन, जस्ट अबाउ द मिडल पोजिशन, एक नियर द एंड, एंड पर नहीं होगी, कहाँ पे होगी? नियर द एंड. और एक बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एट एंड के ऊपर प्रेजेंट होगी. सबने क्या कभी बिल्कुल, हम यहाँ पे एक लाइन लगा के चल रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, एक आर्म्स तो हमारी ये हो गई है, ठीक है. बिल्कुल क्या हो गया बेटा? ये सेंटर में, बिल्कुल क्या है मतलब, ये सेंटर में प्रेजेंट है. तो इसकी जो ये आर्म और ये आर्म, बोथ आर्म्स आर सेम, बोथ आर्म्स आर सेम, एक ही लेंथ की होगी, ठीक है. एक हमने क्या कहा, मान लो ये हमने क्या कहा, ये मिडिल पोजीशन बना रहे थे, इससे जस्ट ऊपर की तरफ हो गई थोड़ी सी, बिल्कुल इसे ये सेंटर में, जस्ट सेंटर से थोड़ी सी ऊपर हो गई. तो इसके अंदर वन आर्म तो क्या हो गई? स्लाइटली शॉर्ट, छोटी होगी. और एक आर्म क्या होगी? स्लाइटली लॉन्ग हो गई, स्लाइटली लॉन्ग होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल थोड़ा ही मिडल से ऊपर है. एक हमने क्या कहा, यहाँ नियर द एंड है, ठीक है. तो एक आर्म छोटी हो गई और एक आर्म क्या हो गई? बड़ी हो गई, हो गई. तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, वन आर्म इज शॉर्ट एंड अनदर आर्म इज लॉन्ग, एंड अनदर आर्म इज लॉन्ग हो गई. और एक हमने क्या कहा, बिल्कुल एंड पे इस तरह से होती है, ठीक है बेटा. इसमें एक आर्म हमें दिखाई दे रही है, आ रही है मेरी बात समझ में? ओनली वन आर्म बिल्कुल कहाँ प्रेजेंट है? एंड के ऊपर प्रेजेंट है. इस तरह से आएगी तो बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल एंड पे इस तरह से हमारी यही होगी मेन, इस तरह से यही है, ठीक है. अब देखो हमने बिल्कुल जो सेंटर पे प्रेजेंट है इसे हम क्या नाम देंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. क्या नाम देंगे? मेटासेंट्रिक, ठीक है. और ये सेंटर से थोड़ी सी ऊपर है तो हम क्या लगा देंगे? सब मेटासेंट्रिक. क्या नाम दे देंगे? सब मेटासेंट्रिक. ये एंड की तरफ है, बिल्कुल एंड पर नहीं, इसे हम क्या नाम देंगे? एक्रोसेंट्रिक. क्या नाम देंगे बेटा? एक्रोसेंट्रिक. और ये बिल्कुल एंड पर होती है, इसे हम टीलोसेंट्रिक कहेंगे. क्या नाम देंगे बेटा? टीलोसेंट्रिक. हमेशा आपका यहाँ से एनटीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपके नॉर्मल एनटीएससीज होते हैं, तो बेटा इसको प्लीज़ ध्यान से देखना है. तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, राइट द नेम ऑफ द क्रोमोसोम इन विच वन आर्म इज शॉर्ट एंड अनदर आर्म इज द लॉन्ग. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक. वन आर्म, बोथ आर्म आर द सेम, तो आपका क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक. वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्ट स्लाइटली लॉन्ग, तो आपका सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा. और टीलोसेंट्रिक में हम क्या कहेंगे? हमेशा क्या आता है? एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. सो एंड के, एंड की प्रेजेंट से हम क्या नाम देंगे? टीलोसेंट्रिक कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? टीलोसेंट्रिक कहेंगे. तो हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आता है. क्या आता है बेटा? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है. अब अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा बेटा, दोबारा से हमने क्या कहा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, कैरियोथीका कहा जाएगा, डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. आपको याद रखना क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन सी सेल ऑर्गेनली होगी? हमेशा हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और कौन सी होगी? वो भी RER, मतलब क्या होंगे, इसके ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो हैज द राइबोसोम्स. इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियर पॉड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा. न्यूक्लियोप्लाज्म कम कैरियोलिम्फ भी कह रहे हैं, जो क्या काम कर रही है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये फ्लूइड होता है, प्रोटोप्लाज्म ही एक तरह से होता है, कोई भी कलर नहीं लेगा. देन हमने न्यूक्लियोलस पढ़ा, लिटिल न्यूक्लियस कह रहे, डिस्कवर्ड बाय द फोंटाना बट नेम गिवन बाय द बॉमन.
ठीक है, और हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरिफ्री, मोस्टली एक नंबर में मिलेगा, कहीं कहीं भी दो नंबर में भी मिल जाएगा, मोस्टली सिंगल इन नंबर होता है। और किसका बना होगा, आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना होगा, और ये भी क्या होगी बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द, और न्यूक्लियस किस में हेल्प करेगी बेटा, राइबोसोम्स में, इसीलिए हम इसे क्या भी कहेंगे, राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहेंगे। देन क्रोमेटिन मटीरियल हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये डिवाइड नहीं हो रही है, जब सेल तो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रोमेटिन मटीरियल। जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी तो ये कंडेंस हो जाएंगे और किस में शेप में ले लेंगे, रिबन और रॉड लाइक शेप में, उस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। क्या क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, कलर्ड, समा का मतलब होता है बॉडी जो कलर्ड ले रही है अच्छे से, ठीक है। और क्रोमोसोम किसके बने होंगे, डीएनए प्रोटीन दो तरह के, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, और आरएनए के बने होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है बेटा। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम है तो कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, हालांकि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, किसी किसी क्रोमोसोम में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिल जाती है इधर इस तरह से, ठीक है। जो ये हमने बनाई क्या बनाया बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये रेयर मिलती है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सैटेलाइट मिलती है, मतलब हमारे अंदर मिल जाएगी, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। तो हम ये आपको मेन इसके पर ध्यान देना है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रोमियर नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं बेटा, सेंट्रोमियर। ये एक क्रोमेटिड हो गई, उसकी दूसरी बिल्कुल एज इट इज होगी, उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं, ठीक है बेटा। हमने इसकी टाइप्स पढ़ी अकॉर्डिंग, सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल बीचों बीच होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ी सी ऊपर होगी तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल मतलब एंड के पास में होगी उसे हम एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल एंड पर होगी उसे हम क्या नाम देंगे, टीलोसेंट्रिक कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, उसे हम टीलोसेंट्रिक। अब तुम ध्यान देना बेटा, आप कहते हो हमाम क्या क्या कह रहे थे, अभी न्यूक्लियस को हमारी क्या कह रहे थे बेटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके आ रहा है डीएनए, और मेन हमारे पास में क्या होता है बेटा, ये क्या हो गया, देखो किस तरह से होगा, ये क्रोमोसोम्स है बेटा, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम को जब हमने खोला है तो इसके अंदर हमें क्या मिला है, ये डीएनए, क्या मिला है इसके अंदर, ये डीएनए, ये क्या था, क्रोमोसोम्स। तो हमने इसको खोला है इसके क्या मिला है, डीएनए, और डीएनए के कुछ सेगमेंट्स क्या कहलाई जाएगी, जीन्स कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी, जीन्स। आपने सबने बोला है भाई जीन्स को आप क्या कहते हो, हेरिडिटी यूनिट कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हेरिडिटी यूनिट। भाई हमारे अंदर एक क्रोमोसोम्स जा रहा है जिसके कारण हमने क्या कहा, हमारे कैरेक्टर बताते हैं, आधे मेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, आधे फीमेल के कैरेक्टर आते हैं, और कैरेक्टर बताने वाला कौन होता है बेटा, जीन्स होगा, क्या होगा, जीन्स। तो ध्यान देना बेटा, जीन्स को हम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हेरिडिटी यूनिट, हेरिडिटी का मतलब समझते हो क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हम कहते हैं ना हमारे माँ बाप के कैरेक्टर हम में आ गए, तो वही चीज़ क्या कहलाई जाती है, हेरिडिटी कहलाई जाती है। कैरेक्टर बताने वाला कौन होगा, जीन्स, किसके ऊपर प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, हेरिडिटी मटेरियल कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, हेरिडिटी मटेरियल। और हेरिडिटी मटेरियल किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, इसे हम क्या नाम देंगे, हेरिडिटी व्हीकल नाम देंगे, क्या नाम देंगे, हेरिडिटी व्हीकल कहेंगे। याद रखना, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, मुझे किसी को एप्पल देने जाना है, मुझे किसी को एप्पल देने जाना है, एप्पल मेरे पास क्या हो गया, जीन, मैं क्या हो गई, डीएनए, और मैं किसके ऊपर, भाई थोड़ा दूर पड़ता है तो पैदल तो जाऊंगी नहीं, तो मैंने क्या लिया, एक स्कूटी ले ली, तो स्कूटी क्या हो गई, मेरा व्हीकल, क्योंकि कोई जाएगा तो सीधा जीन्स नहीं जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्या जाएगा, क्रोमोसोम, कौन जा रहा है, क्रोमोसोम। और भाई आपने ये तो होगा नहीं कि स्कूटी पे आपने सीधा क्या रख दिया है, एप्पल रख दोगे अपने आप स्कूटी ले जाएगा, ऐसा भी नहीं है, उसको जाने वाला भी चाहिएगा। तो हमने क्या कहा बेटा, वो जो मेन है व्हीकल, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्कूटी को तो क्रोमोसोम नाम दे रहे हैं, जिसको मैं चला रही हूँ मैं क्या हो गई, डीएनए, और जिसको सेव क्या हो गए बेटा, जीन्स हो गए। तो याद रखना है क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए की सेगमेंट क्या कहलाई जाती है, जीन्स। तो ये भी याद रखना, इसे हम व्हीकल नाम देते हैं, इसको हम मटीरियल नाम देंगे, और इसे हम क्या नाम देंगे, यूनिट नाम देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में क्या था, न्यूक्लियस। एक बार फटाफट हम न्यूक्लियस का डायग्राम दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमने क्या कहा बेटा, हमारे न्यूक्लियस के क्या हो गए बेटा, दो मेम्ब्रेन, इस तरह से हम आप साथ साथ बना लेंगे, ये हम क्या बना रहे हैं इसके साथ, सॉरी ये हम क्या बना रहे बेटा, इसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम ये न्यूक्लियर पोर्स बनाएंगे। दोबारा से चलो एक बार अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ मैं आपको, कलर्ड पेन से बना देती हूँ, ठीक है, इसे बना देती हूँ मैं आपको अभी एक कलर्ड पेन से अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ। ये न्यूक्लियर पोर के लिए मुझे रफली सा एक राउंड सा, क्योंकि राउंड शेप में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और हम कब कौन सा कर रहे बेटा, जब ये कौन से स्टेज में होगा, इंटर
फेज, और इंटरफेज का मतलब क्या होगा, जब आ सेल डिवाइड नहीं होती है, डू नॉट डिवाइड, व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, तो वो स्टेज क्या कहलाई जाएगी, इंटरफेज कहलाई जाएगी। ठीक है, क्या कहलाई जाएगी बेटा, वो इंटरफेस कहलाई जाएगी। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, कौन सी मेम्ब्रेन हो गई हमारे पास में, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई है। क्या हो गया बेटा हमारे पास में, ये आउटर मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पे हम अब क्या बनाएंगे इसके अंदर, ये न्यूक्लियर पोर्स बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे हम इसके अंदर, ये न्यूक्लियर पोर्स बना देंगे। ओके, ये हमने क्या बता दिया बेटा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिए। ठीक है, उसके बाद हम ये क्या बना देंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बना देंगे बेटा हम, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो रटना नहीं है, किसी भी डायग्राम को कभी भी बायोलॉजी में रट के करोगे तो आपको ही नुकसान हो, क्योंकि बहुत डायग्राम्स आते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, बीच में स्पेस हमने क्या कह दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये हम किस तरह से फ्यूज़न होता है, ये हम क्या दिखा देंगे बेटा, न्यूक्लियर पोर, क्या दिखा देंगे इसको हम, न्यूक्लियर पोर्स दिखा देंगे। क्या दिखा दिया बेटा हमने, ये न्यूक्लियर पोर दिखा दिए। अब अंदर हम क्या कह रहे हैं भाई, क्या प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियो प्लाज्म, इस तरह से हम बना देते हैं, ये क्या प्रेजेंट हो गया, न्यूक्लियो प्लाज्म प्रेजेंट है। और यहाँ इधर की तरफ हम कहीं भी बना सकते बेटा, ये बनाया हमने इस तरह से, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोलस, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। और लास्ट जो हमारे पास रह गया वो हम क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल, क्या बन, इस तरह से बनाना आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या बना दिया आपने, ये क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्या बना दिया आपने, क्रोमेटिन मटेरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको आप दो बार वीडियो को देखना, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक किया करें, कमेंट किया करें। ठीक है, और बस हमारा लास्ट टॉपिक जो बचेगा इसके अंदर, इसी न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डाल देंगे। ओके।